मैं रविकांत, आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक टेस्ट के बारे में, जो कि कलर ब्लाइंडनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इशिहारा टेस्ट। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, क्या क्या इसके कारण होते हैं, ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, और इससे रिलेटेड जो है 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये सभी बातें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। तो ये कॉन्जेनाइटल या फिर जन्मजात डिजीज होती है सामान्यतः, और इसमें क्या होता है कि पर्सन की जो आइज है वो किसी विशेष कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, और मोस्ट कॉमनली जो ये कलर होते हैं वो होता है रेड और ग्रीन कलर। तो सबसे ज़्यादा जो है कलर ब्लाइंडनेस रेड और ग्रीन कलर के लिए ही देखी जाती है। इस टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस पाई जाती है, तो उसमें जो कलर है वो ग्रे कलर के उसे दिखाई देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या कारण होता है कलर ब्लाइंडनेस का। तो मोस्टली जो डिजीज़ है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसकी जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है। हमें पता है कि मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल्स के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल के अंदर अगर उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट है, इट मीन्स उस पर्सन के अंदर कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। लेकिन फीमेल के अंदर दो एक्स होते हैं, तो अगर एक एक्स के ऊपर ये जीन है तो वो कैरियर होगी, बट अगर दोनों एक्स के ऊपर अगर वो जीन प्रेजेंट होगी तो ही उस फीमेल के अंदर जो है कलर ब्लाइंडनेस परसिस्ट होगी। हमें पता है कि अपनी आईज की रेटिना के अंदर दो टाइप की सेल पाई जाती है, एक होती है रोड सेल, दूसरी होती है कोन सेल। तो जो कोन सेल होती है वो होती है कलर्स को आइडेंटिफाई करने वाली सेल। तो इस टाइप के पर्सन के अंदर ये जो कोन सेल होती है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है, और वो पर्सन कलर्स को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट क्या होता है, और कैसे उसका प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस को पता लगाने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जिसे हम लोग इशिहारा टेस्ट कहते हैं, और ये जो टेस्ट है वो डॉक्टर शिनोबू इशिहारा द्वारा बनाया गया था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान के अंदर प्रोफेसर हैं। इस टेस्ट में टोटल 38 स्लाइड्स है, जिसके एक किट या बुक टाइप से बनाया जाता है, और इस टेस्ट को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस का पता लगाया जा सके। इसमें जो पहली 25 स्लाइड होती है उसमें नंबर्स होते हैं, और जो लोग नंबर्स को पढ़ नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए 26 से लेकर के 38 स्लाइड के अंदर जो है लाइन ट्रेसिंग होती है, जिसमें पर्सन को बताया जाता है कि वो उन लाइन को जो है अपनी फिंगर से फॉलो करके दिखाए। तो इसका जो प्रोसीजर है उसके अंदर सबसे पहले जो है पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाया जाता है, फिर स्लाइड जो होती है वो पेशेंट की आँखों से 90 डिग्री एंगल पर अप्रोक्स 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर रखी जाती है। अब इस जो स्लाइड है इसके अंदर पहली और आखिरी जो स्लाइड होती है वो जो है कलर ब्लाइंडनेस की टेस्ट स्लाइड होती है, यानी इसको कलर ब्लाइंड पर्सन और नॉर्मल पर्सन दोनों ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं इट मीन्स जो है डिस्टेंस और एंगल प्रॉपर नहीं है। अब 1 से 25 जो स्लाइड है इसमें नंबर्स होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है पर्सन को 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है, और 26 से 38 स्लाइड में जो लाइन ट्रेसिंग होती है इसको फॉलो करने के लिए पर्सन को पर स्लाइड जो है 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कम से कम 6 प्लेट्स को यूज किया जाना जरूरी होता है। फर्स्ट प्लेट जो होती है वो कंपलसरी प्लेट होती है, देन आफ्टर जो है हर 4 में से कम से कम एक प्लेट को जो है पर्सन से रीड करने के लिए हम लोग कहेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कलर ब्लाइंडनेस दो टाइप की होती है, एक तो कंप्लीट होती है और एक पार्शियल। पार्शियल जैसे कि ग्रीन और रेड कलर के लिए होती है। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि किसी पर्सन को कंप्लीट ब्लाइंडनेस है या फिर किसी पर्टिकुलर कलर के लिए है, तो हर एक जो स्लाइड है अपनी इस जो इशिहारा टेस्ट के अंदर वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको हम लोग समझते हैं। तो वन बाई वन उनको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। जो फर्स्ट स्लाइड आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर एक नॉर्मल पर्सन जो है इसको 12 आइडेंटिफाई करेगा, और एक पर्सन जो है रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस वाला है वो भी इसको 12 आइडेंटिफाई करेगा, और जो कंप्लीट ब्लाइंडनेस वाला पर्सन है वो भी इसको 12 आइडेंटिफाई कर लेगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये टेस्टिंग स्लाइड है, अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा इट मीन्स एंगल और डिस्टेंस जो है प्रॉपर नहीं है। अब बात करते हैं सेकेंड स्लाइड, इसके अंदर एक नॉर्मल पर्सन इसे 8 रीड करेगा, ऐसे ही एक रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस वाला पर्सन इसे 3 रीड करेगा, जबकि टोटल ब्लाइंडनेस वाला जो पर्सन है वो इसको रीड नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो थर्ड स्लाइड है उसके अंदर एक नॉर्मल पर्सन इसे 6 रीड करेगा, और पर्सन विद रेड एंड ग्रीन डेफिशिएंसी इसे 5 रीड करेगा, जबकि टोटल कलर ब्लाइंडनेस वाला पर्सन इसको रीड नहीं कर पाएगा। ऐसे ही फोर्थ स्लाइड के अंदर जो है 29 रीड करेगा एक नॉर्मल पर्सन,
लेकिन अगर रेड और ग्रीन से अगर कलर कलर ब्लाइंडनेस है तो वो इसे 70 आइडेंटिफाई कर सकता है और टोटल ब्लाइंडनेस वाला जो है इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ऐसे ही फिफ्थ स्लाइड के अंदर एक नॉर्मल पर्सन इसे 57 आइडेंटिफाई करेगा, जबकि पर्सन विद ग्रीन एंड रेड कलर डेफिशिएंसी वो इसे 35 आइडेंटिफाई करेगा और एक टोटल कलर ब्लाइंडनेस है वो इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हम लोग ये जो है आगे भी लिस्ट के अंदर इस तरीके से देख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे जो 10 से लेकर के और जो आगे अपने पास 17 तक की जो स्लाइड होती है वो उसके अंदर जो होते हैं पर नॉर्मल पर्सन उनको रीड कर पाता है, जबकि पर्सन विद रेड और ग्रीन डेफिशिएंसी या फिर टोटल कलर ब्लाइंडनेस वाला पर्सन इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं 11th नंबर की जो स्लाइड है उसमें नॉर्मल पर्सन उसको 6 रीड कर लेगा, लेकिन विद रेड एंड ग्रीन डेफिशिएंसी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और टोटल जो कलर ब्लाइंडनेस वाला पर्सन भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो 18 से लेकर के 21 वाली स्लाइड होती है, कलर ब्लाइंडनेस वाले पर्सन को चूंकि ग्रीन और रेड कलर नहीं दिखाई देगा इस वजह से उसे कुछ नंबर वहां पर विजिबल होंगे। इट मींस यहां पर उल्टा होता है कि नॉर्मल पर्सन को तो इनमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक कलर ब्लाइंडनेस वाला जो पर्सन होता है उसको इनमें कुछ नंबर्स दिखाई दे सकते हैं। ऐसे ही जो 22 से लेकर के 25 वाली स्लाइड होती है ये बताने के लिए होती है कि किसी पर्सन को ओनली रेड कलर के लिए ब्लाइंडनेस है या फिर ओनली ग्रीन कलर के लिए ब्लाइंडनेस है। तो एक एग्जांपल के लिए देखते हैं कि जो 22 नंबर की स्लाइड है उसमें एक नॉर्मल पर्सन को 26 दिखाई देगा, लेकिन अगर किसी पर्सन को ओनली रेड कलर के लिए ब्लाइंडनेस है तो वो उसे 6 दिखाई देगा ओनली, और अगर केवल उसे ग्रीन कलर के लिए ब्लाइंडनेस है तो उसे ओनली 2 दिखाई देगा। ऐसे 26 से लेकर के जो 38 स्लाइड होती है उसके अंदर जो है नंबर्स नहीं होते हैं, जबकि उसमें कुछ पैटर्न बने होते हैं। तो इस टेस्ट के अंदर हम लोग पर्सन को बोलते हैं कि वो इन लाइन्स के ऊपर जो है अपनी फिंगर से उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करे। अगर वो आइडेंटिफाई कर पाता है इट मीन्स ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर जो है कलर ब्लाइंडनेस प्रेजेंट हो सकती है। अब सबसे लास्ट हम लोग समझेंगे कि वो 6 पॉइंट समझते हैं जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट कॉमन कलर ब्लाइंडनेस जो है कौन से कलर के लिए होती है, तो वो होती है रेड और ग्रीन कलर के लिए। ओनली रेड के लिए है तो उसे हम लोग प्रोटेनोपिया कहते हैं, और ओनली ग्रीन के लिए है तो उसे हम लोग ड्यूट्रोनोपिया कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेड और ग्रीन कलर जो है कलर ब्लाइंडनेस वाले पर्सन को कैसा दिखाई देता है, तो वो है उसका आंसर है ग्रे कलर का वो दिखाई देता है। तीसरा क्वेश्चन है कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो हमने पढ़ा था इशिहारा टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो कि डेवलप किया था डॉक्टर शिनोबू इशिहारा ने, जो कि प्रोफेसर है टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान के अंदर। चौथा क्वेश्चन है कि इशिहारा टेस्ट में नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी होती है, तो टोटल 38 प्लेट्स होती है। फर्स्ट और लास्ट जो होती है वो टेस्ट स्लाइड होती है, 1 से 25 वाली जो होती है नंबर स्लाइड्स होती है, और 26 से लेकर के 38 तक जो है वो लाइन या पैटर्न स्लाइड होती है। पांचवा क्वेश्चन है कि कितनी डिस्टेंस जो होती है रखी जाती है इन टेस्ट स्लाइड से और पेशेंट के बीच में, तो वो होती है 75 सेंटीमीटर। अगला और छठा लास्ट पॉइंट है कि कलर ब्लाइंडनेस की जो जीन है वो किस पर प्रेजेंट होती है, तो वो हमने पढ़ा एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। अगर आज के वीडियो में कुछ भी आपने नया सीखा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।